योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड अब ऑनलाइन हो रहा है। आज इसकी घोषणा रामदेव ने खुद की है। इस मौके पर रामदेव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने। अब पतंजलि अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचेगा। हमारे साथ पतंजलि के कर्ता धर्ता स्वामी रामदेव जी हैं। रामदेव जी, क्या जरूरत महसूस हुई ऑनलाइन ट्रेडिंग की और क्या रोडमैप तैयार किया है आपने, किन किन कंपनियों से आपने टाइप किया है? 8 प्लेटफॉर्म है, 40 करोड़ लोग नेट से जुड़े हैं, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। इसको मिस कर रहे थे हम लोग, इसमें विदेशी सामान मिलता था। हमने पतंजलि को चारों तरफ फैला दिया और मकसद यही है कि विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से देश को मुक्ति मिले और जो भी इससे कुछ अर्जन हो राष्ट्र सेवा में हम उसका विसर्जन करें, अर्थ से परमार्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, एक संकल्प के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें स्वदेशी हर जगह आगे रहे। पिछले दिनों ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट जारी हुई, उसमें पतंजलि सबसे ऊंचा मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड माने सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर के उभरा। टर्नओवर में खाली एक ब्रांड आगे, अभी हमसे यूनिलीवर, उसको भी अगले साल तक पछाड़ देंगे। पहले आपके बहुत सारे स्टोर थे लेकिन अब आपने जो एक नया स्लोगन दिया है हरिद्वार से हर द्वार, तो क्या है इसके पीछे मंशा और कहां तक रीच करना, पहुंच बनाना चाहते हैं आप? अभी रिटेल में हम लोग 25% ही कवर कर पाए, 75% वहां भी अपॉर्चुनिटी अभी से है, वहां पर भी रेंज सेल में हम लोगों को और बहुत काम करना है। उसके ऊपर डीएमएस सिस्टम, पूरा सप्लाई चेन, रिटेलिंग, उसके ऊपर हम बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में हमारे प्रोडक्ट सस्ते नहीं मिलेंगे लेकिन लोगों को घर बैठे मिल जाएंगे, यही लोगों के लिए बड़ी बात है। कोई डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि विदेशी कंपनियों से तो 25 से लेकर के 100% तक प्रोडक्ट हमारे पहले ही सस्ते हैं, तो रिटेलर को कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं उनको भी कोई नुकसान होने का प्रश्न नहीं क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं एक अलग तरह का एक पूरा समूह है, एक अलग सेक्टर है पूरा जो नेट के साथ कनेक्ट रहता है। बाकी हमारे जो पतंजलि के मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं उनके ऊपर हम एक पतंजलि लॉयल्टी कार्ड लेकर के आ रहे हैं जो 26 जनवरी से पहले हम लॉन्च कर देंगे। स्वामी, ये बात सही है कि बड़ा बाजार बन गया ऑनलाइन का लेकिन कई फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। कई बार जो लोग उत्पाद मंगाते हैं प्रोडक्ट कुछ और निकलता है, जो पैकिंग का जो फ्रेंचाइज जिनके पास होती है, होम डिलीवरी का काम जिनके पास होता है, उस स्तर पर भी कुछ खामियां गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो ये क्या निजी तौर पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा बनाएंगे आप? पूरा हमारी पतंजलि की भी टीम रहेगी और बाकी जो प्लेटफॉर्म वाले हैं उनकी भी टीम रहेगी, इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे क्योंकि लोगों का हित करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और नए नए उत्पाद क्या होंगे, क्या कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं? हम लोग डिविजन लेकर के आ रहे हैं पतंजलि को, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं, मिल्क से लेकर के दही, पनीर, बटर, जो भी चीजें हैं जो शेष रह गई थी डेयरी प्रोडक्ट्स में उनको भी लेकर के आ रहे हैं, लिक्विड मिल्क से लेकर के सारी चीजों को। टेक्सटाइल में करीब 3000 प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, अलग अलग बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, योगा के लिए, डिफरेंट जो किड्स वेयर से लेकर के लेडीज के अंडरगारमेंट से लेकर के पैंट कोट से लेकर के सब कुछ होगा और एसेसरीज में जूते चप्पल पहन भी होगा। जीएसटी का जो फैसला हुआ था और आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कुछ मांगे रखी थी अपनी, वो क्या मांगे थी और क्या उम्मीद है कि सरकार उन पर गौर करेगी? मैंने इतना ही बोला कि भाई कम से कम गौमूत्र पर तो टैक्स ना लगाओ, उसके पर 18% टैक्स लगा दिया कोनाइल गौमूत्र पर। फिर हमने काउ बटर के ऊपर भी बोला कि भाई वैसे ही भैंस के घी से आधा फैट होता है गाय के दूध के अंदर, तो अब इसके ऊपर 12% लगाना वो तो नाइंसाफी है। फिर बिस्किट के ऊपर भी बात हो रही थी तो हमने कहा कि भाई जो भी बिस्किट के दो भाग कर दो, एक लग्जरी बिस्किट कर दो, नॉर्मल जो आदमी गरीब आदमी रिक्शे वाला भी खाता है, तो ये सरकार संवेदनशील है, जरूर सुनेगी, समाधान निकालेगी। रामदेव जी, आखिरी दो सवाल, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ, सरकार के कई फैसलों को आपने खुलकर समर्थन किया है लेकिन हाल ही में जो रिटेल में 100% एफडीआई का फैसला हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरी उसमें असहमति है। क्यों है और आधार क्या है, नुकसान क्या है? पहले बीजेपी की भी असहमति थी, अब उनसे पूछिए क्यों सहमत हो गए। आखिरी सवाल, आपके कुछ मित्र कहें या राजनीति के जो लोग हैं वो आपको कहते हैं कि आप सन्यासी कम हैं, वो छवि आपके पीछे छूट रही है योग गुरु की और एक कारोबारी बाबा रामदेव की छवि आगे आ रही है, उनको क्या जवाब देंगे? मेरा योग और कर्मयोग जैसे आज से 25 साल पहले था आज भी है। यदि मैंने योग और के साथ में ये एक इतना बड़ा स्वदेशी उद्योग और देश की सेवा के लिए खड़ा किया तो क्या इनकी यूनिलीवर से, इनकी कोलगेट से, पीएनजी से, लक्स, लाइफबॉय, डोव से इनकी यारी है, इनकी रिश्तेदारी है, जिनके खून में अपनी निजता से नफरत की फितरत है।
अपने देश से गद्दारी और विदेशी कंपनियों के प्रति वफादारी है, उन लोगों को पतंजलि का स्वदेशी अभियान रास नहीं आता, बाकी तो सब पतंजलि के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा रामदेव का ये कहना है कि एक बड़ा बाजार ऑनलाइन मार्केटिंग का तैयार हुआ है, जो युवा है खास तौर से वो ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करता है, और इसलिए उस वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए पतंजलि ने फैसला किया है कि अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके जरिए पहुंच बनाई जाएगी। कैमरामैन अश्विनी ठाकुर के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।